बेगम अच्छादीप ने खुलासा की इस वाणी में अपनी पहचान दी है कि अक्षर और अक्षरातीत की पहचान क्या है। श्री महामद कहे मोमिनों क्यों न विचारो तुम, कई विध तुम वास्ते करी क्यों भूलो इन कसम। इस मायावी जगत जिसको कहते हैं भूलौनी का संसार, आप जितने भी सुंदर साथियों बैठे हुए हैं, क्या आप यथार्थ में अपने को जानते हैं? इस शरीर को धारण करने से पहले आप कहां थे और उस समय की कल्पना कीजिए जब हमारा शरीर छूटता है तो होता क्या है। हमारी ये आंखें रहती नहीं, हमारा ये शरीर भी नहीं रहता। हम देखते हैं कि हमारे बीच में जो भी सुंदर साथ होते हैं या संसार का कोई भी प्राणी, शरीर छोड़ने के पश्चात कहीं चला जाता है। पूछा जाए कहां चला जाता है, कुछ पता नहीं। सुंदर साथ कहेंगे कि हम पंडित जी चले जाते हैं, संसार के लोग कहेंगे कि हम कहीं जन्म ले लेते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं, या निराकार में घूमते रहते हैं। जब तक इस शरीर से संबंध है तब तक हमें अपना भरा पूरा परिवार दिखता है, संसार दिखता है, घर द्वार दिखता है। वैसे हम इतने व्यस्त होते हैं कि इन बातों पर सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है, इससे कोई मुख नहीं मोड़ सकता। कोई तन उजल होता है, कुछ दिनों तक रोया गाया जाता है, फिर भुला दिया जाता है, जैसे उससे कोई संबंध था ही नहीं। हाँ, चित्र देखकर एहसास हो जाता है कि ये हमारे सगे संबंधी थे। इसको कहते हैं भूलौनी का संसार। हर कोई भूला हुआ है, सृष्टि को बनाने वाले नारायण स्वयं को भूला हुआ है कि मेरा मूल स्वरूप क्या। जिस क्षण उसको पता चलेगा उसी क्षण प्रलय हो जाएगी। जब तक उनका सपना चल रहा है तब तक ये संसार चल रहा है। भ्रम की बाजी रची विस्तारी, भ्रम सुभ्रम भरमा, ये भ्रम का खेल। मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। सारी सृष्टि बनी है निराकार से, जिसको कहते हैं निर्गुण उसी को कहते हैं भ्रम, उसी को कहते हैं मोह तत्व। मोह तत्व निराकार सब एक ही है, उसी को काल की संज्ञा दी गई है। हमारे सामने ये सूरज दिखता है, धरती दिखती है, बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं, सागर दिख रहे हैं। जब प्रलय होगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। इतना बड़ा हिमालय पर्वत बर्फ से दिखा हुआ है, ये दहकता हुआ सूरज किसी गैलेक्सी में समा जाएगा, फिर वो गैलेक्सी भी सुपर गैलेक्सी में समा जाएगी, फिर क्या बचेगा। ऐसा पदार्थ प्रकृति का कारण रूप बचेगा जिसको व्यक्त करने के लिए बुद्धि में हमारी समर्थ नहीं है, कुछ नहीं। जो नहीं था वो सब कुछ बन गया, और जो अनादिकाल से है हमारा प्रीतम है, अनंत परम धाम है, परम धाम की अनंत आनंदमय लीला है, उसके बारे में कहते हैं पता नहीं परम धाम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं राजी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारी आंखों के सामने झूठ दिख रहा है, और झूठ में हमारा जीव लाखों जन्मों से इतना रल गया है कि वो सत्य पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे हमारा शरीर है, हमारी उम्र 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई, जब से हमारे शरीर ने जन्म लिया तब से हम इसको नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते रहे। बूढ़ा होने लगते हैं, बालों में सफेदी आने लगती है तो उनको कष्ट होने लगता है कि मेरे प्यार बाल अब सफेद होने लगते हैं, इसका मतलब कि मैं वृद्ध होता जा रहा हूं। हम जैसे थे सृष्टि के प्रारंभ से आज भी वैसे हैं, हमारे शरीरों ने जन्म लिया, हमारे शरीर कभी बालक बने, युवा बने, वृद्ध हो गए और शरीर छूटते गए। हम शरीर को याद रखते हैं, खुद को भूले रहते हैं। हम कौन है यथार्थ में हम नहीं जानते, हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है ये हम यथार्थ रूप में नहीं जानते। ये बताने के लिए ही वाणी आई है, इसीलिए महामद कहे ऐ मोमिनो क्यों न विचारे तुम, विचारो तुम कैविद तुम वास्ते करे क्यों भूलो की कसम। अपने प्राणेश्वर को हम किस लिए भूल जा रहे हैं, हम
इस बात का विचार क्यों नहीं करते कि वह कौन है हमारे प्रीतम जो हमारे साथ इतनी कृपा कर रहा है। राम जी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? अपने हृदय की पहचान देना सबसे बड़ी मेहर है। हम मेहर का आकलन किससे करते हैं? धन संपदा के मिलने से, प्रतिष्ठा के मिलने से, ऐश्वर्य के मिलने से, पद को मिलने से। यदि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो हम रात दिन लाउड स्पीकर लगाकर शोर मचाएंगे, देखो राम जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हम इतने बड़े हो गए, राम जी की हमारे ऊपर इतनी मेहर हो गई। जैसे आतंकवादी मुसलमान भी हर बात में इंशाअल्लाह कहेंगे, इंशाअल्लाह हम इसको मार देंगे, इंशाअल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह करे, तो क्या परमात्मा ये कहेगा कि इसको मार दो? वैसे हमारा भी तकिया कलाम में राम जी की मेहर हुई, देखिए मिनिस्टर बन गए, ये मेहर नहीं हुई, ये तो जाहिरी मेहर है। ये तो कोई एक फकीर भी, कोई महात्मा भी आशीर्वाद दे देगा तो ये पद मिल जाएंगे। रांची की सबसे बड़ी मेहर क्या है? मेहर सोई जो बांधनी हक्के दिल का प्यार। रांची के हृदय का हमें प्रेम मिले और उनके स्वरूप की पहचान। माया में आने के बाद हमने अपनी पहचान नहीं की। वाणी पढ़कर हम केवल इतना जानते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। देखिए वाणी को पढ़ा जाता है किससे? बुद्धि से। मस्तिष्क हमारा सक्रिय रहता है, बुद्धि की कार्यशाला है मस्तिष्क। मस्तिष्क के माध्यम से मन को पता चलता है ये चीज है, लेकिन मन और मस्तिष्क में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मन का संबंध है हृदय से, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अंग है, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? हृदय, अंतकरण। मस्तिष्क का संबंध भावना से होता है और मन का संबंध होता है भावना से, मस्तिष्क का संबंध होता है केवल ज्ञान से। बुद्धि ज्ञान मूलक है और मन भावना मूलक। हम उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, हमारी बुद्धि कितनी निर्मल है, हमारा चित्त कितना निर्मल है, हमारा मन कितना निर्मल है, उसके अनुसार हम आत्मसात करते हैं। एक तो बुद्धि के द्वारा जानते हैं और एक हम समाधि अवस्था में बैठकर चेतना के धरातल पर स्वयं को जानते हैं कि हम क्या हैं। जितने सुंदर साथ बैठे हैं या पूरे देश में 40 लाख की लगभग संख्या होगी, सब वाणी को पढ़ते हैं, सभी कहते हैं कि हम परमधाम से आए, हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। लेकिन सत्य यह है कि क्या उन्होंने अपने असल स्वरूप को पहचाना है? उत्तर मिलेगा नहीं। उन्होंने वाणी को पढ़ करके क्या जाना है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। पूरी पहचान कब होगी? जब हम अपनी परात्म को देखें। राजी अपनी कृपा दृष्टि से हमारी नजर मिलावे में कर दे और हमें अपनी परात्म दिखने लगे, तब हम कह सकते हैं कि हमने अपने स्वरूप की पहचान कर ली। बुलाइया निस्मत जान के देखो मेहर आके, राजी ने आपको अपने चरणों में लिया है, किसके कारण? मूल संबंध संबंध मूल को मैं तो पापन छोड़ी होना चाहता। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम में कभी वियोग नहीं होता, वियोग होता है तो लीला मात्र के लिए होता है। अंदर से दोनों एक ही होते हैं, जैसे सागर से जब लहर उमड़ती है तो दिखने में लगता है कि लहर का जल जो है समुद्र से ऊपर उठ रहा है, लेकिन समुद्र से लहर का जल अलग नहीं होता, उससे जुड़ा रहता है। वैसे प्रिया प्रीतम के बीच में, आत्मा और परब्रह्म के बीच में अनादि काल से अखंड समुद्र बना रहा है। इस मायावी जगत में भी परब्रह्म की आत्माएं आई हुई है, तो राजी ने मूल संबंध के कारण हर पल उनका हाथ पकड़े रखा है। दो दम तले कदम के आत्म पर आत्म, चाहे आत्मा कथन हो चाहे परात्म कथन। एक पल के लिए भी हमारी आत्मा कथन न तो राजी से अलग हुआ है न परात्म कथन अलग हुआ।
दोनों पर धन की नजर बनी हुई है, लेकिन आत्मा नींद में है, आत्मा को नहीं पहचान रहे कि प्रीतम हमारे कितने निकट है। वाणी के अवतरण करने का क्या उद्देश्य था? इस ब्रह्मांड को कहते हैं कि जागने का ब्रह्मांड। जागने के इस ब्रह्मांड में हम नींद में है, नींद वाला जागृत को नहीं पहचान सकता। जो जागृत है केवल वो जानता है कि नींद में जो पड़ा हुआ है उसकी अवस्था क्या है। मूल स्वरूप जागृत है, मूल मिलावे में जागृत है, हर पल उनकी नजर सबको देख रही है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि किस तन में कहां बैठी है, माया के बंधनों में किस प्रकार से भटक रही है। लेकिन जो माया में भटक रहे हैं उनको माया से परे जो अक्षरातीत है उनके स्वरूप की पहचान वाणी आई। ये सबसे बड़ी कृपा जिस अक्षरातीत ने अनाद काल से परम धाम में भी अपने हृदय का भेद नहीं दिया था, इस जागने के ब्रह्मांड में उन्होंने अपने हृदय का भेद खोला और वो तार तो वाणी के द्वारा। ब्रज में देखिए 11 वर्ष 9 दिन तक लीला होती है, लेकिन राज्य ने अपनी पहचान किसी को नहीं दी, प्रेम किया पहचान नहीं दी, रास में आधी पहचान दी, घर की पहचान दी, और जागनी ब्रह्मांड में परमधाम की भी पहचान दी, ब्रज की, रास की, और अपना हृदय खोल करके रख दिया कि परमधाम की आत्माओं हमारे और तुम्हारे बीच में किसी तरह की दूरी नहीं है। भले ही तुम नींद में हो, मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। इतनी बड़ी ये दिल्ली महानगरी है, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए कितने लोग आ सकते हैं। हाँ, यदि कोई नाच तमाशे हो, पिक्चर का कोई दृश्य दिखाया जाए तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जिसमें ये बताया गया हो कि ये सारा जगत असंख्य ब्रह्मांड जो दिख रहे हैं सभी काल के काल में समा जाने वाले हैं, इसके परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, और अक्षर के पार अक्षरातीत है, यह सुनने के लिए तो कोई बिरला आएगा। ये मैंने अवश्य सुना है। दिल्ली में एक भैरवनाथ जी का मंदिर है जिसमें लोग शराब चढ़ाए चढ़ाया करते हैं और शराब चढ़ाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। उनको लगता है कि हम शराब चढ़ा देंगे तो हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, इस स्वार्थ के नाते पंक्ति में खड़े रहते हैं। परमात्मा को शराब चढ़ाने की कहीं आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा के नाम पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं की काल्पनिक रूप से पूजा हो रही है और दुनिया ये सोचती है कि उनकी पूजा करके हम अपनी माया की उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे, तो वहां भीड़ की संख्या बढ़ सकती है। साईं बाबा के मंदिर में भीड़ की संख्या बढ़ सकती है, गणेश जी के मंदिर में संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को ये बताया जाता है कि आप ये चीज चढ़ा दोगे तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा। वाणी तो कुछ दूसरी ही बात करती है। वाणी का कथन है, श्री महामत के ऐ मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करमे कुर्बानियां आओ मैं भाई। मैं को मारना स्वयं को समाप्त कर देना, जब आप स्वयं है नहीं तो मिनिस्टर बनने के लिए आशीर्वाद क्यों मांगेंगे? मन्नत कौन मांगेगा जिसने अपना एक वजूद खड़ा कर रखा है कि परमात्मा मुझे करोड़पति बना दो, अरबपति बना दो, पुत्र दो, संतान दो, प्रतिष्ठा दो, और जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसने प्रेम में अपने सर्वस्व को खो दिया, वो क्यों मन्नत मांगेगा? उसको नारियल चढ़ाने से क्या लेना देना है, या लड्डू क्यों चढ़ाएगा हनुमान जी को या गणेश जी को? वो तो अपना हृदय देगा कि जो प्रेम का सागर है, प्रेम के सागर में अपनी आत्मा की आहुति देगा कि मेरी आत्मा आपके लिए, और संसार से ये नहीं हो सकता, बिना नए ब्रह्मांड में बिना सुहागिना। अब संसार के लोगों की भीड़ कहाँ देखेंगे, जहां उनको संसार की वस्तुएं मिलती हो, जहां यह कह दिया जाए कि आपको संसार की कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, आपको धन दौलत नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तो वहां लोग क्यों आएंगे? लोग तो वहां जाएंगे 500 रुपये 1000 रुपये खर्च करना पड़े, 100 रुपये का नारियल चढ़ाना पड़े या 100 रुपये की मिठाई का पैकेट चढ़ाना पड़े, उससे देवता खुश हो जाए, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भैरवनाथ हो, हमको ये दे दें, बस दुनिया व्यापार जानती है, दुनिया प्रेम नहीं जानती, दुनिया स्वयं के अस्तित्व को मिटाना नहीं जानती।
जो स्वयं को अस्तित्व को मिटाएगा नहीं वो अध्यात्म की राह में क्या चलेगा। देखिए संसार में कोई भी आगे कब बढ़ता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, जब स्वयं के अस्तित्व को मिटा देता है। जब तक अपनी बुद्धि की मैं है, धन की मैं, रूप की मैं, प्रतिष्ठा की मैं, कहीं ना कहीं मैं लगी हुई है, तब तक हमारे सामने संसार खड़ा है। मैं और मेरे से ही तो सारा संसार बना है। जब मैं और मेरा मिट जाएगा, केवल तू और तेरा रह जाएगा, वहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है। न तो मैं हूं न मेरा कुछ है, तो दियम वस्तु तुभ्यम एवं समर्पे, सब कुछ आपका ही है। मेरा तन भी आपका है, मेरा मन भी आपका है। तन मन जीव निछावर किन्नो महम्मद चरोला। हमें तो प्रारंभिक कक्षा में यह सिखाया जाता है कि हमारा तन मन जीव सब कुछ राज्य के लिए है। हम न अपने तन के लिए मांगे, न मन के लिए मांगे, न जीव के लिए मांगे। जो कुछ मांगे तो केवल राज्य का प्रेम मांगे, और उसके बदले हम कुछ लेन देन न करें। देना है तो अपना दिल दे, लेकिन यही नहीं हो सकता। सुंदर साहब भी वाणी का पाठ कितना भी कर लेगा, लेकिन अपना दिल देने के लिए तो कोई कोई तैयार होगा। जिसने सचमुच में अपना दिल दे दिया, अपना हृदय राज्य को दे दिया, तो राज्य तो उसके बस में रहेंगे। महामती जी ने कहा है कि मैं चुनौती देकर कहती हूँ, बसीकड़ा मंत्र भी बता सकती हूँ, और मैं ये दावा करती हूँ कि रांची आपको मैंने प्रेम के पिछले में टीका बनाकर रखा है। मैं प्रेम से आपको अंगूर खिलाती हूँ, यही मेरी चाहत है। वो थम साथ में द्राक, मैं अंगूर बन जाऊं और आप मुझे खाते रहो। इसका भाव क्या है? तोता क्या है? रांची। प्रेम का पिंजरा क्या है? हमारी अंतरात्मा की पुकार। और एक आत्मा स्वयं को अंगूर के रूप में प्रस्तुत करती है, इसका आशय क्या है? हमारी आत्मा का प्रेम राज्य के लिए है। हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। जैसे एक तोता अंगूर के गुच्छे को खा रहा है, खाते खाते ऐसी स्थिति आ जाए कि अंगूर कुछ भी ना बचे, यानी उस प्रेम में आत्मा ने अपना सर्वस्व मिटा दिया, और यही तो मार्फित की स्थिति है। जो तोते ने अंगूर खाया, अंगूर जो दिख रहा था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन अंगूर कहाँ गया? तोते के पेट में। प्रियतम के प्रेम में आत्मा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। उसको संसार की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, केवल प्रीतम का दीदार चाहिए। खाना दीदार इनका, या सो जीवे लेने श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तीन से मीटर प्यास। हमारी प्यास क्या है? राजी से प्रेम। दोस्ती इन स्वरूप की तीन से मीटर प्यास। भोजन में राज्य का दर्शन, खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास। जिस तरह से हमें जिंदा रहने के लिए श्वास लेना जरूरी होता है, दो मिनट के लिए हमारे नासिका को मुख बंद कर दिया जाए, सांस ले ना पाए तो क्या होगा? हम घुट घुट करके शरीर छोड़ देंगे। जिसके जिस श्वास के बिना जीवा जीवित रहा नहीं जा सकता, उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि के लिए है कि राज्य के दीदार के बिना उनका जीवित रहना व्यर्थ लगता है। और जिस अवस्था में परमधाम की परमात्मा स्वयं को प्रस्तुत कर देती है, वो राज्य के हृदय मंदिर में प्रवेश करती है, अपने हृदय में धनी को बसा लेती है, और धनी के हृदय में तो उसकी बैठक है ही, लेकिन अधिकार के साथ वो राज्य के हृदय के भेदों को जान जाती है, क्योंकि उसने स्वयं को समाप्त कर दिया। जैसे एक नदी है, आप देखते हैं आपकी दिल्ली नगरी में यमुना जी है, पूरे दिल्ली का गटर किसमें गिर रहा है? यमुना। उस पानी को आप पी नहीं सकते। ये नदी आगे बढ़ती जाती है, इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा में। गंगा में मिलने के बाद ये अपना अस्तित्व खो देती है। अब इसको यमुना को यमुना नहीं कहा जाएगा, गंगा कहा जाएगा। आगे चलकर गंगा भी अपना अस्तित्व खो देती है। जब सागर में मिल जाती है तो कोई उस गंगा के जल को गंगा नहीं कहेगा, वो सागर कहा जाएगा। हम भी इस शरीर को पकड़े हैं, इस शरीर को पकड़कर इसके अलग अलग नाम रूप हमने रख रखे हैं। हमारा शरीर कभी बच्चा दिखता है, कभी युवा दिखता है, कभी बूढ़ा दिखता है,
कभी स्त्री के तन में दिखाई दे रहा है, कभी पुरुष के तन में दिखाई दे रहा है। यह शरीर जी भाव से जुड़ा है, हमें सुख दुख का अनुभव होता है, गरीबी अमीरी का अनुभव होता है। लेकिन जब इस भाव से हम परे हो जाएंगे, जैसे यमुना गंगा में मिलने के बाद गंगा कहला रही है और गंगा सागर में मिलने के बाद सागर कहला रही है, जीव भाव से परे होकर जब हम राज्य के प्रेम में डूब गए, अपने आत्मा को उनके प्रेम में डूबोकर अपने धाम हृदय के सिंहासन पर उनको विराजमान कर लिया, उनके हृदय में हमारे मूल निस्वत के कारण अखंड स्वरूप करस मिलने लगा, तो स्थिति ऐसी बन जाती है, हम हक में, हक हम में और हक बिना सब खो, ये सारा संसार मिथ्या लगने लगता है। उस समय ये कहा जा सकता है, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहेगा खुदा। जैसे गंगा सागर में मिलने के बाद गंगा नहीं कहलाती, सागर कहलाती है। गंगा का अस्तित्व समाप्त हो गया, आत्मा प्रियतम से मिलने के पश्चात उन्हीं के स्वरूप के तदुगत हो जाती है, और इसको कहते हैं मार्गत की अवस्था। बुलाइया निस्बत जान के देखो मेहर की, राज जी की सबसे बड़ी कृपा कि परम धाम की सभी आत्माओं को राज जी ने अपने चरणों में लिया है, किसी भी माध्यम से। आप देखिए 300 वर्ष हो गए, 300 वर्षों में अनेक परमहंसों के तनों से राज जी ने अपनी वाणी सुनाई। संसार में तो अनेकों धर्म ग्रंथ हैं, चारुवेद है, उपनिषद है, दर्शन है, संत वाणी है, त्वरित, इंजील, जंगूर, कुरान, करोड़ों लोग अपने ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। मैं एक बार बंबई से आ रहा था, मेरे सामने की सीट पर कुछ मुस्लिम लोग थे, मुझे नहीं मालूम कहाँ के रहने वाले थे, हाँ उनका रंग यूरोपियन की तरह था। मैंने देखा रात को सोने से पहले उन्होंने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ी, और सवेरे उठ करके 4 बजे नमाज पढ़ने के बाद कुरान का पाठ किया। मैं सोच करके दंग रह गया था कि देखिए कब से कब कितने भी ये मांस खा रहे हैं, आतंक फैलाए जिहाद के नाम पर, अत्याचार करें, लेकिन इनकी निष्ठा तो है कि अपने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। राज जी ने अपनी पहचान देने के लिए हमको परम धाम की ब्रह्मवाणी दी, महामती जी के तन से कहलाई, लेकिन ये सब कुछ किया मूल संबंध के कारण। आप कह सकते हैं कि इस समय 40 लाख सुंदर साथ हैं, तो 40 लाख की 40 लाख ब्रह्म सृष्टि है, ये ठीक है, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो, सभी तो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, लेकिन जो भी राजी के चरणों में आए हैं कुछ ना कुछ कारण है, या तो उनके अंदर ईश्वरीय सृष्टि है, या जीव भी है तो उत्तम जीव है, न जाने इन जीवों ने लाखों जन्मों में कितनी कठोर साधनाएं की होंगी कि परमात्मा अपने चरण कमलों की सानिध्यता दो, उनकी वह मांग पूरी हुई है कि इस मायावी जगत में जब किसी को पता नहीं कि कौन है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, ऐसी अवस्था में उनको धनी के चरण कमल का बोध हुआ है। ऐसे आप संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ जाए, चार वेदों को पढ़ जाइए, पूरी कुरान को रट ले जाइए, सारी हदीसों को पढ़ जाइए, सारे संतों की वाणी को पढ़ लीजिए, उसका सार तो निकालिए, तो क्या बात आएगी कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और उसका प्रकाश सारी सृष्टि के कण कण में व्यापक है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। चार वेदों के विद्वान भी यही बात कहेंगे कि परमात्मा अनंत है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन कैसा है इस बारे में मौन हो जाएंगे, क्योंकि संसार में यह ज्ञान स्पष्ट रूप से दिया ही नहीं गया। कुरान में संकेतों में है, पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में जरूर दिया गया है, लेकिन पुराण संहिता महेश्वर तंत्र संसार को पढ़ने को भी नहीं देते। जो सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप है उसके बारे में हर कोई मौन हो जाता है, क्या परमात्मा की कोई आकृति हो सकती है, ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण की तो आकृति मानी जाती है, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा अनंत प्रेम और अनंत का स्वरूप परमात्मा जो है, क्या उसकी भी आकृति होती है, इस पर संसार का कोई भी विद्वान सहमत नहीं है, इसलिए वाणी करती है, दुनी को कहे हक को वजूद नहीं मुतलक, तो ये हुक्म किन्ने किया जो सूरत नहीं है।
जब राजी का कोई परब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है तो हुक्म करने वाला कौन है? किसने इच्छा की कि सृष्टि बनाओ? आगे वाणी में इस तरह से संबंधित किया गया है कि श्रृंगार ग्रंथ में राजी के नक्ष से सिख तक की शोभा का वर्णन किया गया और उसमें पहले ही कर दिया गया कि जिन जानो ये वर्णन वर्णन करत आदमी का ये सबसे न्यारा सुभा जो अर्सजी कि राज्य के नक्ष सिख तक का जो वर्णन हो रहा है ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी मानवीय शक्ल का वर्णन हो रहा है, मनुष्य के रूप का वर्णन नहीं हो रहा है। हमारे हाथ हैं तो राज्य के भी हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे हस्त कमल हैं, हृदय कमल हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि राज्य भी वैसे ही है। हमारा शरीर तो पंचभूतात्मक है, हड्डी और मांस का बना हुआ है, ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला है। जैसे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है लेकिन उस प्रकाश की कोई आकृति है इसके बारे में दुनिया मौन हो जाती है। हाय हाय तो भी इश्क न आवत अरवा अर्श कीजे, जो परमधाम की आत्माएं हैं उनके अंदर प्रेम क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? सबसे पहले आप देखिए आतंक क्यों फैल रहा है। जो जिहादी कहलाते हैं अपने शरीर में बम बांध लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ लोगों को मार कर हम अल्लाह की राह को और अच्छा बना लेंगे। उनको यही शिक्षा दी गई है कि दूसरों को तुम मार दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला तुम पर खुश होगा, ये तो नादानी है। हाय हाय तो भी इश्क न आवत अरवा अर्श की जाए, जो परमधाम की आत्माएं हैं वो धनी के चरणों में आई है लेकिन धनी के चरणों से उन्हें प्रेम नहीं है। ये सबसे बड़ी हंसी, जिनको राज्य के बारे में कुछ पता नहीं वो उनके नाम की कल्पना करके मरने को तैयार है। जैसे जो कट्टरवादी होते हैं उनका कहना है कि अल्लाह का अनुवाद करने का किसी को अधिकार नहीं है क्योंकि केवल मुस्लिमों के लिए है, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इसका अंग्रेजी में या हिंदी में अनुवाद करने का अधिकार नहीं। आप सोचिए उनको अपने परमात्मा का नाम इतना प्रिय है, हम उठते बैठते राजसमा तो लेते हैं लेकिन सच पूछा जाए क्या हमारे अंदर प्रेम है? ये सबका हृदय जानता है। हम सुंदर सा कोई ना कोई भावना तो बनाते हैं, काम काम बहाना बनाएंगे, शरीर के दर्द का बहाना बनाएंगे। जैसे अभी चितवनी शिविर होने वाला है तो मैं देखूंगा संख्या कितनी आती है। आप देखिए अभी राधा स्वामी मत का सरसों में कार्यक्रम हुआ था, आप जानते हैं संख्या कितनी आई थी? लाखों में थी, शायद 1.5 लाख से तो ऊपर ही होगी। और उनके महाराज जी ने केवल एक दिन का प्रवचन दिया, वैसा प्रवचन तो ज्ञानपीठ के विद्यार्थी भी दे देता। उनको देखने के लिए पूरे देश से राधा स्वामी मत के अनुयायी आए थे, पैर रखने की जगह नहीं, और एक घंटे के प्रवचन के लिए चाहे करोड़ों पति हो चाहे कोई भी हो सब लोग लगे हुए हैं सेवा में। ज्ञानपीठ में आपको 10 घंटे का प्रवचन सहित सारा कार्यक्रम दिया गया, फिर भी देश से कितने सुंदर संत हैं और दिल्ली तो सबसे पीछे रहेगी। जितनी शेर भी होगी 17 से 21 मैं समझूंगा दिल्ली से सबसे कम जाएंगे। उन राधा समय मत के जो अनुयायी हैं आप उनसे पूछिए उनको क्या क्या दिया जाता है, केवल 5 ब्रह्मांडी शब्द याद करा दिए जाते हैं। उनको कह दिया जाता है तीसरे दिन पर बस मन को एकाग्र करो, सुखता को एकाग्र करो, कुछ बातें संतों की वाणियों की सुना दी जाती है। उनको ये नहीं बताया जाता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप क्या है, सागर श्रृंगार में जो जो वायु की व्याख्या आपको मिलती है उन लोगों को नहीं मिलती, लेकिन वो कितने समर्पित है। उनकी सेवा भावना देखिए, पूरे दिन एक पैर पर खड़े रहते हैं, सवेरे से लेकर भोर से लेकर रात तक।
मैं गुजर रहा था, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे उनकी सेवा को देखा। कोई सड़क पर कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, केवल महाराज जी का प्रवचन देखने के लिए, वो भी दूर से। सामने बैठकर तो बातें कर लेने को धंधन हो जाएंगे, सोचेंगे कि साक्षात परमात्मा मिल गया। टीवी में ही दर्शन होता है। सच्चाई तो यह है कि उनके महाराज जी कोई परमहंस भी नहीं है और उनकी कोई आध्यात्मिक साधना भी नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा को देखिए। उनके हृदय में अपने इष्ट के लिए कितनी श्रद्धा है, कितनी समर्पण की भावना है। हम सुंदर साध को मूल स्वरूप पक्षराती थे, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की ब्रह्मवाणी कही, और ये ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द अक्षरातीत के आवेश से अवतरित हुआ है। वाणी आपको जगा रही है, बुलाइया निस्वत जान के देखो मेरे रखी। अक्षरातीत ने आपको अपने चरणों में बुलाया है, अपना नख से सिख तक श्रृंगार देकर, एक बार नहीं सात बार अपना नख से सिख तक श्रृंगार वर्णित किया, ताकि परम धाम की आत्माएं किसी भी तरह से माया की फरामोशी को छोड़कर मेरी तरफ नजर करें। जहां तक मैं समझता हूं कि विपस्सना में ही 8 घंटे 10 घंटे का ध्यान कराया जाता है और कहीं नहीं कराया जाता। हाँ, ज्ञानपीठ में आपको कई कई घंटे का ध्यान कराया जाता है, किस लिए? ताकि सुरता आपकी माया से हटकर परम धाम की तरफ चले। राधा स्वामी मत में 1 घंटे का सवेरे ध्यान कराया जाता है और 1 घंटे का प्रवचन होता है। शेष समय सबको सेवा करनी है। विपस्सना में सबके मोबाइल ले लिए जाएंगे, किसी से आप 1 हफ्ते तक बात नहीं कर सकते। जो खाने को दिया जाएगा वही खाने को मिलेगा, आप कुछ खरीद कर नहीं खा सकते। लेकिन मैं सरसाओं में भी देखता हूँ, जो भंडार से किसी की तृप्ति नहीं होती, स्टॉल पर भीड़ लगी रहती है। उधर मंच चल रहा है, स्टॉल पर कोई पराठे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। आप बताइए, वाणी कहती है हाय है तो भी इश्क नवामत अरमा अर्श कीजिए। परम धाम के सब सुंदर साथ अपने से सबको हीन तो समझते हैं, लेकिन आप बताइए संसार के जीव जो जितना त्याग कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? जो आतंकवादी कहलाते हैं, अपने शरीर में बम बांधकर शरीर को मिटा देते हैं, किसके नाम पर? परमात्मा के नाम पर। ये ठीक है उनका काम पाप का है, वो दूसरे की हत्या करते हैं, लेकिन स्वयं को भी तो कुर्बान कर देते हैं। हम तो चितवनी में अपने कोमल गद्दों पर भी 1 घंटे 2 घंटे बैठने के लिए मुश्किल से बचते हैं। जब किसी का शरीर बम से उड़ता है तो शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। हर आतंकवादी को फिदायन को मालूम होता है कि मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। हमको कहा जाता है कि देखो, यदि सच्चे हृदय से 2-2 घंटा ध्यान करेंगे तो शरीर छूटने से पहले राजी का दर्शन अवश्य हो जाएगा। लेकिन आप क्या कहेंगे, 2-2 घंटा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत काम रहता है, 1/2 घंटा कर लेंगे या 15 मिनट कर लेंगे, कोशिश करेंगे 1 घंटे की। 40 लाख की संख्या में मुझे नहीं लगता, 1 लाख तो क्या 10,000 भी ऐसे मिल जाए जो 2 घंटे चित्रणी करने के लिए राजी हो जाए। पहले तो 40 लाख में 35 लाख चित्रणी के बारे में ही नहीं जानते, केवल कर्मकांड, केवल नाच को हमारे समाज में फैला हुआ है। अब तो एक विचारधारा चल गई है कि सुंदर साहब ने चित्रणी ही ना फैले तो सबको नचाने में लगाए रखो। पहले तो भागवत में और एक नई विधा चल गई है, कृष्ण कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, मूल स्वरूप प्राण राज्य राज्य हट गए। कौन राज्य के नक्श से सिख तक का श्रृंगार वर्णन करेगा? कृष्ण कथा के नाम पर ब्रज रस की बातें सुनाई जाती। जो चित्रणी करने वाले हैं उनमें भी वो तड़प नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो श्रद्धा भावना नहीं है कि हम राज्य से प्रेम कर सके। तभी वाणी कह रही है हाय हाय तो भी इश्क नावत अरवा अर्श कीजिए। आपको जगाने के लिए परम धाम वाला स्वयं चल कर आया, महामती जी के तन में बैठा, और जामनगर में नहीं बैठा था। जामनगर से वो कदम बढ़ाता है तो मस्कत बंदर जाता है, अवसी बंदर जाता है, पुनः लौट करके आता है, उदयपुर से होते हुए दिल्ली आता है, हरिद्वार आता है, पुनः उदयपुर पहुंचता है,
लड़ता होते हुए दिल्ली आता है, उदयपुर पहुंचता है, उदयपुर से मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए रास्ते में क्या करता है? जिसके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्मांड पवित्र हो गया, वह सब भिक्षा में मिले हुए अन्न को खाता है। जिसको जगाने के लिए वो निकला है, वो तो अपने महलों में आराम कर रहे होते हैं, परिवार के मीठे बंधनों में बंधे होते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि माया बहुत मीठी है। इस माया से जब राज्य छुड़ाते हैं तो लोग चिपकार मार करके रोने लगते हैं। आपके धन में कमी हो गई तो आप रो कर कहेंगे कि राज्य मेरा धन क्यों चला गया? आप इसके लिए क्यों नहीं रोते कि राज्य आपका दीदार क्यों नहीं हुआ? हम धन के लिए रो सकते हैं, संसारिक रिश्तों के लिए रो सकते हैं, शादी विवाह के लिए रो सकते हैं, राज्य के मिलन न होने के लिए कौन तड़पता है कि राज्य आप प्रत्यक्ष में दर्शन दो? वेद में तो कहा गया कि अरवांग हे परमात्मा, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। हम सुंदर साधु को सिखाया जाता है कि राज्य मिल ही नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है? यदि अक्षरातीत है तो उसको देखा क्यों नहीं जा सकता? हवा को देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखा जा सकता है, जीव को देखा जा सकता है, मन को देखा जा सकता है, जो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत है उसको क्यों नहीं देखा जा सकता? यदि बीतक की वाणी करती है कि आप देखो औरों को दिखाओ, ये तो हमारा उत्तरदायित्व था कि हम स्वयं राज्य को देखते और संसार को दिखाते, लेकिन इसके लिए तो हमें चिंतनी करनी पड़ेगी। आप राधा स्वामी मत में जाइए, जो हल जोतने वाला है, फावड़े चलाने वाला है, वो भी सवेरे एक घंटा बैठ करके ध्यान करता है। उनको निष्ठा है अपने मत पर, संतों की वाणियों को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, और हम सुंदर सर केवल कर्मकांड में लग गए। हमारे पूरे समाज में कर्मकांड का इतना बोझ डाल दिया गया कि कोई बिरला ही सोचता है कि आंखें बंद करके अपने हृदय मंदिर के सिंहासन पर अपने प्राणेश्वर की छवि को तो देखे। वाणी करती हूँ, हृदय आओ तो कहो इत बैठो बीस तखत। ये कितना अधिकार है महामती जी का, प्रेम के अधिकार से इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हृदय आओ तो कहो इत बैठो बीस तखत। आप चुपचाप मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठ जाइए तो मैं आपसे कोई बात करूं। यदि ये मूल संबंध का दावा है कि मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़े होना चाहिए, मैं एक पल के चौथाई हिस्से के बराबर भी मूल संबंध को नहीं छोड़ सकती, और आप हमारे प्राणेश्वर हो तो हमारे हृदय के सिंहासन पर आप विराजमान होइए ताकि मेरे अंतर चक्षु आपको देख सके। मैं अंतर के कानों से आपसे बातें करना चाहती हूँ, अंतर की जीवन से आपकी बातें करना चाहती हूँ, और अंतर के कानों से आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। जब तक ये दृढ़ता नहीं होगी अध्यात्म के पद पर हम कैसे चल सकते हैं और हमारी आत्मा जागृत कैसे हो सकती है? राज्य ने इसी स्तर पर ले जाने के लिए ये परमधाम की ब्रह्मवाणी दी, और तभी ये बात कही जा रही है कि मूल संबंध के कारण राज्य ने हमारे पर ऐसी कृपा की है कि सबको अपने चरणों में ले लिया। लेकिन आश्चर्य क्या है कि माया का ऐसा नशा है कि किसी के अंदर प्रेम नहीं होगा। प्रेम ही हमारा ब्रह्मास्त्र है, माया के सभी अस्त्र एक तरफ और प्रेम का अस्त्र एक तरफ। जब प्रेम आ जाएगा, जब आया प्रेम सुहागे मोहजल ले रहा, माया के सागर की लहरें हमको डुबोने का प्रयास कर रहे थे तब तक है जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है। मोमिन तब तक बंदगी जो बंदगी का तत्पर्य क्या है? बंदगी का तत्पर्य ये सेवा पूजा से मतलब नहीं है। हाँ, सेवा पूजा बच्चों को कराएंगे, लेकिन आप तो वाणी पढ़ते हुए कई साल अपने गुजार दिए, अब आपको चितवनी में लगना है। वो चितवनी यानी अंतर चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखना, आपकी अंतर दृष्टि खुल जाए। बाहर की दृष्टि से आप शरीर को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, संगे संबंधियों को देख रहे हैं, ये मेरा शरीर है, ये शरीर के ये संबंधी हैं, ये मेरा घर द्वार है। लेकिन जब जिस दिन आंख नहीं रहेगी, आंखों की रोशनी नहीं रहेगी, और जिन आंखों में जीव के माध्यम से चेतना है, जीव भी इस शरीर को छोड़ देगा, तो ये आंखें तो रहेंगी इस शरीर में, लेकिन ये आंखें देख नहीं रही होंगी, क्योंकि उस शरीर को मुद्दा कहा जाएगा।
ये मुर्दा शरीर अपने को नहीं देख पाएगा क्योंकि देखने वाला तो निकल चुका। उस जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, जीव का भी प्रीतम जो है, आत्मा की जो प्रीतम है हमारी आत्मा के धाम हृदय में पल पर बसा रहता है। लेकिन जब ये शरीर तो मिला है साधन के लिए, हमारे जीवन का एक एक पल जो बिता जा रहा है कभी दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है इस सृष्टि के अंदर। और इसलिए इस समय की उपयोगिता को जिसने पहचान लिया और अपने प्राणेश्वर से प्रेम में उसको लगा दिया, शरीर को भुला दिया, मन को शांत कर लिया, चित्त में कोई संस्कार उठे नहीं, बुद्धि विवेचना करना बंद कर दी और हमारी नजर प्रेम पूर्वक केवल आराध्य को देखते रहे, अपने प्राणेश्वर को देखते रहे, इसमें तो कुछ हमारा लगता नहीं, एक रुपया भी हमारा खर्च नहीं होता, केवल अपना हृदय ही तो देना होता है। रात के अंधेरे में बैठ जाइए, प्रातः काल के अंधेरे में बैठ जाइए, केवल अंतरात्मा से पुकार करनी होती है। लेकिन संसार तो दिखावा करता है। मैं अभी आ रहा था एक तीर्थ स्थान से गुजर रहा था, मैंने देखा सड़क पर लोगों को परिक्रमा करते हुए लेट लेट कर, जिस केस से मैं जब चला तो मैंने देखा बेचारे लोग सदा के मजबूत होकर सड़क पर लेट लेट कर परिक्रमा कर रहे, जितना कष्ट वो सह रहे हैं उनको यदि परमधाम का ज्ञान दे दिया जाए कि भाई इतना कष्ट क्यों सह रहे हो, अपने कमरे में बैठकर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान करो, बेचारे वो पागल हो जाते। अगर इस केस में हजारों अंग्रेज आए थे, युवा भी थे, लड़कियां भी थी, 30-30 साल की लड़कियां आई हैं, किस लिए? हमें शांति चाहिए, उनको शांति नहीं मिल रही है विदेश में, धन है बहुत है, सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन उनको मन की शांति चाहिए योग सीखने के लिए। और जानते हैं एक हफ्ते की योग सिखाने की फीस 1,00,000 रुपए, और सिखाने वालों को भी कुछ मालूम है, वो कुंडली जागरण सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं और नाच रहे हैं। आपको तो परम धाम की चितवनी सिखाई जाती है, आपसे तो 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता। आपको कहा जाता है कि कल बैठ करके ध्यान कीजिए, 4 घंटे कीजिए, 6 घंटे कीजिए, 8 कीजिए। मैं देखता हूँ सत्संगों में भी जब मंच चल रहा होता है सुंदर साहब को कमरे कमरों से निकालना पड़ता है। वो विदेशों से आए हैं, दुनिया के अनेक देशों से आए थे, यूरोप से आए थे, अमेरिका से आए हैं, कहाँ कहाँ से अंग्रेज आए भाग भाग करके कि हमको कोई बता दे कि ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है। लेकिन वो ध्यान समाधि कम बताई जाती है, आश्रम प्रणाम मंदिर में फंसा दिया जाता है। आप सोचिए मूल स्वरूप की कितनी बड़ी आप पर कृपा है कि बिन मांगे आपको सब कुछ मिलता है लेकिन आपको उसकी गरिमा का आभास नहीं होता। ए मेहर भई मोमिनों पर, किस पर कृपा हुई? परम धाम की आत्माओं की, क्योंकि मूल संबंध के कारण धनी ने उनका हाथ पकड़ा। आप संसारी सारे संसार में भ्रमण कराएंगे, अमेरिका में भी आप जाएंगे तो अमेरिका की धरती पर बालक से जो योग सीख करके जाते हैं, योग का अर्थ लोगों ने लगा दिया आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम तो वो बहिरंग योग है, अंतरंग योग जिसको कहते हैं धारणा ध्यान समाधि है। समाधि का अर्थ होता है साक्षात्कार जिसमें प्रीतम केवल दिखे संसार भूल जाए, वो तो बताया ही नहीं जाता। एक एक हफ्ते की फीस बहुत ज्यादा होती है अमेरिका में और ये व्यवसाय का रूप ले चुका है। सारे संसार में दूसरों को शांति देने के नाम पर, योग सिखाने के नाम पर एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। परम धाम का ध्यान ये आज तक संसार में नहीं था। जिन्होंने निजानंद योग ग्रंथ पढ़ा होगा उनको मालूम है कि हमारी वाणी की जो चित्वनी की फिलॉसफी है, चित्वनी का जो मार्ग है वो संसार में नहीं था। अक्षर की पंचवासनाएं भी इस मार्ग को नहीं जानती थी कि कैसे बेहद से परे हमें परम धाम में प्रवेश करना है। अक्षर की पंचवासनाओं को केवल पता चल पाया संसार में कि निराकार को पार कैसे किया जाएगा, अन्यथा इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, योगी हो गए, योगिराज हो गए,
जो एक साथ अनेकों रूप धारण कर सकते हैं, एक साथ मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, एक ही स्थान पर बैठे बैठे कई रूप धारण कर लेंगे, कई जगह दिख जाएंगे, त्रिकालदर्शी रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। आगम भागो मन की पर को सूझे चौथे भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे। इतना होता रहा, लेकिन हमारे समाज में तो अपनी वाणी के जान का महत्व ही नहीं समझा। जानपीर की तरफ से पहली बार अपनी पद्धति को निजानंद योग के नाम से प्रचारित किया गया, नहीं तो हमारे सुंदर साहब अपनी चितवनी को केवल चितवनी तो कर देता था। हमारा तरीका क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, इसको लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाया था। यह विधा केवल परमांशों के बीच में गोपनीय रूप से छिपी रही और सुंदर साहब की और घंटी घड़ियाल में ही फंसा था। सच पूछा जाए तो सुंदर साहब को तो यही बताया गया कि पांच बार तारतम पढ़ लेना है, चरणामृत प्रसाद ले लेना है, पांच परिक्रमा कर लेनी है या पांच पर। सुंदर साहब इसी को सब कुछ मान करके खुश हो जाता। ये कभी नहीं कहा गया कि अमूल मिला हुआ अपना नजर दीजिए, पलक ने पीछे फिरिए। जब तक मूल स्वरूप को आप अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, जब तक उनकी छवि आपके हृदय में नहीं बसेगी, आपकी आत्मा को जागृत होने का अधिकार कैसे मिल सकता है। ये माला पर जब तो दुनिया करती है, घंटी घड़ियाल तो दुनिया बजाती है। अयोध्या में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, किसी भी गांव या नगर के मंदिर में चले जाइए, घंटी घड़ियाल हर जगह बजती है। आरती परिक्रमा पूजा भोग ये सब सारी दुनिया करती है। पौराणिक समाज में जहां भी चले जाएंगे वहां सब कुछ होता है। यदि वही सब कुछ था तो इस ब्रह्मवाणी के अवतरण का क्या उद्देश्य था, सागर सिंधार परिक्रमा के अवतरण का क्या उद्देश्य था। वही बात कह रहे हैं, ए मेहर भई मोमिनों पर समझत नहीं। राज्य ने इतनी बड़ी संपदा दी है लेकिन इसको कोई भी समझ नहीं पाया। 300 वर्षों से ये ब्रह्मवाणी का प्रवाह चलता रहा। चुपचुपाते दीपक की तरह कहीं न कहीं ब्रह्मवाणी की ज्योति फैलती रहेगी। इसको तो फैलना चाहिए था सूर्य के प्रकाश की तरह। आज देखिए सारे संसार में वहावी मत का बोलबाला है जिसके कारण आतंकवाद फैल रहा है। कुरान में जो लिखा है उसकी उल्टी व्याख्या करके वहावी विचारधारा ने संसार के एक बहुत बड़े वर्ग को आतंकवाद की राह पर ढकेल दिया है। आज यदि ब्रह्मवाणी का पूरी तरह से फैलाव होता, हमारे देश में भी ब्रह्मवाणी को फैलाने वाले उच्च स्तर के प्रचारक होते, तो हम सारे संसार को शांति का संदेश दे सकते थे, शांति की ज्योति जला सकते थे। हम संसार को बता सकते थे, भावी विचारधारा वालों को बता सकते थे कि देखो तुम जो कुरान की व्याख्या कर रहे हो ये पूर्णतया गलत है। लेकिन हमारे पास विद्वान कहां से, जब शिक्षा का प्रचार ही नहीं होगा तो विद्वान कहां से पैदा होंगे। उस समय की कल्पना कीजिए, औरंगजेब के जमाने में, जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक औरंगजेब का निरंकुश शासन था और जो प्रातःकाल किसी हिंदू का मुंह देखना नहीं चाहता था। उस समय औरंगजेब के दरबार में जाकर 12 सुंदर साथ ने कितने कठोर शब्दों में औरंगजेब को फटकारा था। आज तक औरंगजेब के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं। गुरु तेग बहादुर जी को केवल इसी कारण तो अपना शीश इसी दिल्ली नगरी में अपना अर्पण करना पड़ा। मती राम को आर्य से चीरा गया, सत्यदास को खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया गया। औरंगजेब के दरबार में पहुंचकर कोई जिंदा नहीं बचा। सीमा जी भी गए थे तो छिप करके निकलना पड़ा था। थोड़े समय और हो जाता तो सीमा जी को उनको भी फांसी हो जाती। लेकिन आप सोचिए 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, काजी शेख इस्लाम को भी कठोर शब्दों में फटकारते हैं, औरंगजेब के मुंह पर भी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं लाल जी के द्वारा, शेख बदर के द्वारा। लेकिन औरंगजेब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। और जब उधर से वापस आए तो उससे उल्टे उसने कुछ पैसे की भेंट भी दी। आज तक इतिहास में घटना नहीं है कि औरंगजेब ने जिससे फटकार खाई हो उसको पैसे को भेज दी हो। ये किसके बल पर हुआ, श्री जी के बल के। अब वृत्तांत मुताले में तो वर्णित भी है, कहमत नमा भी संकेत भी दिया है कि ओढ़ कर पुरानी कमरी फकीरों के मिलावे में लिया।
औरंगजेब भेष बदल करके आया था दिल्ली में, एक फकीर का स्थान था जहाँ छिप करके मिलता है, श्री जी के चरणों में निवेदन भी करता है, लेकिन कह दिया कि हुजूर मैं क्या करूं, शरीयत मेरे से छूट नहीं सकती, मैं उसका अध्यस्त हूँ। आप सोचिए, यदि हमने अन्य मतावलंबियों की तरह ब्रह्मवाणी की ज्ञान की महत्ता को समझा होता, हमारे पास उच्च स्तर के विद्वान होते तो हम सारे संसार में डंके की चोट पर कह सकते थे कि कुरान का मार्ग ये नहीं है जो संसार अपना रहा है, और वेद को पढ़कर भी जो वेद के रहस्य को नहीं जान पाया, सच्चिदानंद परब्रह्म को नहीं जान पाया, उससे बड़ा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। न हम वेद वालों को राह दिखा पाए, न कुरान वालों को राह दिखा पाए, पाटिल वालों को राह दिखा पाए। इसके लिए दोषी कौन है? हम स्वयं दोषी, क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहीं ना कहीं कर्मकांड की तरफ ही लगा है। वाणी कहती है, उलस रात कहीं खंडे की धार गिरे कटे नहीं पावे पा, कर्मकांड की राह तलवार की राह पर चल रहा है। और देखा जाए तो जहां भी कर्मकांड होगा वहां जान और भक्ति नहीं रह पा। मैंने सभी तीर्थ स्थानों में प्राय जाकर के देखा है, हरिद्वार हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, या कहीं भी चले जाए, बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं, चढ़ावा करोड़ों का चढ़ता है। सबरीमाला मंदिर हर प्रतिदिन 2 करोड़ का चढ़ावा चलता है। पूछा जाए सबरीमाला मंदिर में कितने बड़े विद्वान वेद वेदांतों के, जगन्नाथपुरी में जाइए कोई विद्वान नहीं मिलेगा, किसी भी मंदिर पर जाइए उच्च स्तर का कोई विद्वान नहीं मिलेगा, कोई परमहंस नहीं मिलेगा जो देवनाथ समाधि में बैठा रहता। परम धाम की ब्रह्मवाणी आई थी सारे संसार में ज्ञान की धारा बहाने के लिए, परम धाम का ध्यान कराकर सबको प्रेम के सूत्र में डालने के लिए, लेकिन हमारे समाज के नित्य निर्देशक तत्वों ने तो उन्हीं की नकल करनी शुरू कर दी। हमने भी खूब जोर जोर से घंटी घड़ियाल बजाए, सभी मंदिर में जाकर देखिए बिजली से चलने वाले घंटी घड़ियाल है, क्योंकि मंदिरों में तो संख्या कम हो रही है। सोचते हैं मंदिर के संचालक अब सुंदर साथ नहीं आ रहे हैं तो बिजली का लगा दो, पुजारी जी अकेले आरती कर रहे होते हैं और बिजली का घंटा बजता रहता है, ढोलक बजती रहती है, लेकिन कोई जाए तो उसको कोई और बताने वाला नहीं है कि अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत की वाणी के सागर सिंगार में क्या लिखा है, हमें मूल मिलाव में अपनी सुरता को कैसे जागृत करना है। परिणाम क्या हुआ? कर्मकांड की राह पकड़ते गए और सब सोते गए थे, आए थे जागने के लिए लेकिन और नींद घर आ गई। यही बात कह रहे हैं, ए मेहर भई मोमिनों पर समझत नहीं कोई, सोई सो कोई तो समझे जो पहचान हकी होए। समझ में क्यों नहीं बात आ रही है? कि हमको राज्य की पहचान नहीं, राज्य की पहचान कैसे? आज सारे समाज में विवाद की स्थिति है, विवाद की स्थिति रूप को लेकर के पैदा की गई है, स्वरूप को लेकर। तार्तक वाणी की चर्चा आजकल दिन पर दिन कम होती जा रही है, उसका स्थान ले लिया है कृष्ण कथा ने, भागवत कथा, भागवत की किस्से कहानियां सुनाना। ये तो कोई भी बच्चा 6वीं क्लास बच्चा भी पढ़ करके भागवत की टीका पढ़ करके समझ जाएगा कि भागवत में अमुक राजा की कितनी पत्नियां थी, उसके कितने बेटे हुए और उन्होंने राज कैसे किया। क्या बड़े बड़े आयोजनों का उद्देश्य इन किस्सा कहानियों को सुनाना है? ये तारतम वाणी आई है किस लिए? अक्षर से परे, अक्षर से परे उस अक्षरातीत का भेद बताने के लिए, अक्षरातीत के धाम स्वरूप और लीला के रहस्यों को उजागर करने, हमें अपनी आत्मा का स्वरूप बताने के लिए और यह दर्शाने के लिए कि संसार में हम आए हैं तो इस संसार में बैठे बैठे हमें अपने प्रियतम का साक्षात्कार चाहिए। राजाओं की किस्से कहानियों को पढ़कर हमारी आत्मा कभी भी जागृत नहीं होगी और न कभी राज्य की पहचान हो सकती है। राज्य ब्रज में आए इसमें कोई संशय नहीं, रास में आए इसमें कोई संशय नहीं, और वही जागने के ब्रह्मांड में जब आए हैं तो यह कह देना कि कृष्ण ब्रज में आए थे, कृष्ण रास में थे और कृष्ण ही जागनी ब्रह्मांड में आए हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम तो शरीर के नाम की महिमा कर रहे हैं। जिस अक्षरातीत ने श्री कृष्ण
का तन धारण किया, उस अक्षरातीत की पहचान नहीं दे रहे और कृष्ण नाम के तन की पहचान दे रहे हैं, कृष्ण नाम की महिमा को बता रहे हैं। लेकिन तारतम वाणी के अवतरण से पहले भी तो सारी दुनिया कृष्ण कृष्ण कर रही थी, संसार को यह पता नहीं था कि श्री कृष्ण का तन किसने धारण किया, रास किसने की, और ये कंस को किसने मारा, द्वारकाधीश कौन है, मथुराधीश कौन है, और ब्रज का प्रीतम कौन। तारतम वाणी से रहस्यों से पर्दा उठा और जिस अक्षरातीत ने महावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इन रहस्यों को उजागर किया, उससे सबने मुंह फेर लिया है और सब एक स्वर से कह रहे हैं कि महावती जी प्राणनाथ एक महान संत में हैं, हम उनको राष्ट्रीय संत घोषित करते हैं, वो देवचंद जी के शिष्य थे, छत्रसाल जी के गुरु थे, महान कवि थे, हम इन बातों को लच्छेदार भाषा में प्रयोग करते हैं, तालियां बजती हैं, क्योंकि उन शब्दों की पुकार करने वाले बड़े बड़े स्थानों के संचालक होते हैं। जनता की श्रद्धा बड़ी गादी पर है, वाणी के तत्व जान पर है, और जब तक सारा समाज ब्रह्मवाणी की तरफ नहीं मुड़ेगा, ब्रह्मवाणी को आत्मसात नहीं करेगा, युगल स्वरूप की छत को अपने धाम हृदय में बसाएगा नहीं, अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके परम धाम की तरफ देखेगा नहीं, तब तक उसकी जागनी का प्रश्न ही नहीं है। रास के पहले ही प्रकरण में कह दिया है, आप पढ़ जी नथी और जो बिचारी बन, यदि हम अपने मन में विचार करके देखें तो आप पर हजी नथी हो रखे, हमने आज भी राज्य को पहचाना नहीं है, यदि पहचाना होता तो उनको राष्ट्रीय संत हम क्यों घोषित करते। हम कई देशों में जाते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय संत कहलाते हैं और प्राणनाथ जी क्यों राष्ट्रीय संत कहलाते हैं। हम आरोप लगा देते हैं कि प्राणनाथ जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, हम अंग्रेजी कुछ बोल लेते हैं तो अपने को बड़ा समझ लेते हैं। हम ये आरोप लगा देते हैं कि प्राणनाथ जी 12,000 पाठ नहीं करवा सके थे, हम करवा रहे हैं, ये तो कौन बड़ी बात है। आप 1,00,000 स्वरूप साहब छपवा दीजिए, 1,00,000 सुंदर साहब को दे दीजिए कि सुंदर साहब जी घरों बैठे पढ़ लीजिए, तो इससे क्या हो गया। वाणी के जो शब्द कहे हैं वो आज तक किसी ने क्या कहे थे, क्या किसी ने बताया कि उर्मिलावा किस्सा, क्या किसी ने नच से सिख तक अक्षरातीत की शोभा का वर्णन किया था। हके इलम ऐसा दिया जो चौदह तब को नान और ना ही नूर मकान में सो दिया मैं सब। महावती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य ने जो मुझे जान दिया है, यह जान तो अक्षर ब्रह्म के पास है, जो इस माया के तल में बैठकर अक्षर अतीत ने मुझे दिया। अब इस ब्रह्मवाणी की गरिमा को यदि हम समझे होते तो ब्रह्मवाणी में हम राज्य की पहचान खोजते, इस जागने के ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए कौन आया है, तो पता चलता कि प्राणनाथ की पहचान क्या, जिसके बिना हमारा अस्तित्व हो प्राणनाथ का क्या होता है, जो हमारे जीवन का आधार हो, जो हमारा प्राण हो, जो हमारा सर्वस्व हो, जो हमारी आत्मा का प्रियतम हो, उसी को तो प्राणनाथ कहते हैं। वो कभी संत नहीं हो सकता, महापुरुष नहीं हो सकता, देवचंद जी का शिष्य नहीं हो सकता, न छत्तीसगढ़ जी का गुरु हो सकता, वो तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, वो सर्वस्व है और उसी की ब्रह्मवाणी है। लेकिन उसकी ब्रह्मवाणी को किनारे करके यदि भागवत की किसी कहानियां सुनाई जाए कि चित्रकेत की एक करोड़ रानियां थी, सस्विंद की एक अरब संतान थे, मनु ने नाचिक दिया की इच्छाओं को पैदा हो गया, तो किससे कहानियां और गोपोड़े हमारी आत्मा को कभी भी जागृत नहीं करेंगे, क्योंकि ये किससे कहानियां मनोरंजन का विषय है। एक व्यक्ति कुछ गाता है, कुछ भजन गा देता है, 10 लोग खड़े होकर के नाचने लगते हैं, दिल तो बहला लेकिन हमारा यह दिल मूल मिलावे की तरफ तो नहीं गया, जहाँ हमारे मूल तन बैठे हैं उस मूल तन को देखे बिना, जहाँ हमारा मूल स्वरूप अक्षरातीत का विराजमान है, उस स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में बसाए बिना आत्मा की जागृति का प्रश्न ही नहीं। इसलिए पाणी कहती है, सो कोई तो समझे जो पहचान की हो, जिसको अक्षरातीत की तारतम वाणी से पहचान होगी वही समझेगा कि राज्य की हमारे ऊपर कितनी बड़ी अपार कृपा है, अपने हृदय का प्रेम लुटा रहे हैं ताकि परम धाम की आत्माएं युगल स्वरूप की छत को बसा सके, मूल मिलावे को जान सके, परम धाम कहाँ है यह जान सके। आप संसार के बड़े से बड़े विद्वान के पास जाइए, उससे पूछिए परम धाम क्या है, वो उत्तर नहीं दे पाएगा। ये तो दर्शन में संकेत है, लेकिन
प्राण में भी संकेत है, कोई समझ नहीं पाएगा। परम धाम का ध्यान, यदि आप अपने समाज की चार दीवारी को तोड़ करके बाहर निकलिए, दूसरे पंथों में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ परम धाम के ध्यान की गरिमा क्या है। जो बंगाल में पैदा हुआ है, जब तक वो जैसलमेर के इलाके में नहीं जाएगा, वो पानी की कीमत नहीं समझेगा। वो तो ये परेशान रहेगा कि रोज रोज वर्षा ने मेरे नाक में दम कर दिया। लेकिन जब प्यास लगेगी तब तो पता चलेगा। वैसे ही जब हम ब्रह्मवाणी के ज्ञान की प्यास में भटकेंगे तो इस ज्ञान की कीमत का पता चलेगा, और तब भी हम कमर कसकर तैयार होंगे कि हमने अपने उम्र का बहुत बड़ा समय गंवा दिया। अब हमें ऐसी कोई भी रात कोई भी दिन नहीं छोड़ना है जिसमें हमने ब्रह्मवाणी का चिंतन न किया हो और जीवन शरीर की छत को बसाया। आपको शायद सूचना दे भी दी गई होगी, आगामी 17 मार्च से 21 मार्च तक चितवनी शिविर सरसावा ज्ञानपीठ में आयोजित किया जा रहा है। मैं देखता हूँ दिल्ली से कितने सुंदर साथ आते हैं, और मुझे मालूम है कि 10 बार भी कहूँ 100 बार भी कहूँ तो ढाक के 3 पाथ ही होंगे, वो तो गिने गिनाए सुंदर साथ दिल्ली के आएंगे, क्योंकि दिल्ली पर सारे देश का बोझ होता है, सारे देश का कार्य दिल्ली वालों के नजदीक होता है। आप देखिए कि अभी से कल मैंने पहले से गुजरात वालों ने 29 अप्रैल से 5 मई तक जो 1 हफ्ते का कार्यक्रम होगा पहले से टिकट बुक कर रहे। दिल्ली के सुंदर साथ तो उंगलियों पर गिने चुने आएंगे, उत्तर भारत से भी कम आएगा। उन गुजरात के सुंदर साथ को धन्यवाद है जो बाढ़ देख रहे थे 4 महीने पहले से 5 महीने पहले से बाढ़ देख रहे होते हैं। यदि सूचना देने में देर हो जाए तो फोन हो जाते हैं, आ जाते हैं कि कब वार्षिकोत्सव होने जा रहा है, हम टिकट बनवाए। आप याद रखिए, हमें से जहाँ से भी अच्छाई मिले उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। गुजरात के या जहाँ के सुंदर साथ चितवनी के लिए तर्क रखते हैं, वाणी चर्चा के लिए तर्क रखते हैं, दिल्ली सुंदर साथ को भी उनसे सीखने के लिए अपने कदम बढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली का सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में चितवनी के लिए आएगा, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। अब चल कर जो पहचान हक की होए, ये मेहर भई मोमिनों पर, समझत नहीं कोई, समझत नहीं कोई, सो कोई तो समझे, सो कोई तो समझे, जो पहचान हक की होए, जो पहचान हक की होए। बड़ी सी बात है।